हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीबी लर्निंग्स। मैं हूं वंशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक। यहां पे तो मैंने सिर्फ 9 सीरीज के लिए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक बताई है, बट आप ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि 9 सीरीज के जो नंबर्स है उसके स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 9 सीरीज मीन्स 9, 99, 999 and 9999 and so on। तो इनके स्क्वायर्स आज हम फाइंड आउट करेंगे। 9 का स्क्वायर हमें तो पता ही है, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। एक्चुअली जो 10 तक के नंबर्स होते हैं एटलीस्ट उनके स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। सो 9 का स्क्वायर है 81। तो अब हम देखते हैं 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 99 में कितने डिजिट्स होते हैं? इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। अगर हम किसी भी 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसका आंसर हमें 4 डिजिट्स में मिलेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 डिजिट्स के लिए स्पेस मार्क कर लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना आता है? 81। तो 81 ऐसे लिखना है कि उसमें एक डिजिट की गैप हो, यानी 8 और 1 के बीच में हम एक डिजिट की स्पेस छोड़ देते हैं। अब हम 9 सीरीज के लिए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 8 के साइड में हम 9 लिख लेते हैं, और जितने बार हम 9 लिखेंगे उतने ही बार हम 0 लिखेंगे। कहाँ पे? 8 एंड 1 के बीच में 0 लिखेंगे। यानी जितने बार हम 8 के साइड में 9 लिखते हैं उतने ही बार 8 एंड 1 के बीच में हमें 0 लिखना है, यानी इक्वल नंबर ऑफ 9 एंड जीरोस। सो 99 का स्क्वायर है 9801। अब हम देखते हैं 999 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि 999 इसमें 3 डिजिट्स है, सो 999 का स्क्वायर 6 डिजिट का आएगा, यानी 3 का डबल 6। सो हम 6 डिजिट के लिए मार्क कर लेते हैं। अब हमें लिखना है 9 का स्क्वायर, दैट इज 81। हमने 99 के स्क्वायर में क्या किया था? 81 के बीच में एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ा था। सेम अभी क्या करेंगे, 81 के बीच में 2 डिजिट का गैप छोड़ेंगे। यानी 99 में हमने 1 डिजिट का गैप छोड़ा था, 999 में हम 2 डिजिट का गैप छोड़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 8 के साइड में और 8 एंड 1 के जो बीच में का स्पेस है वो सेम है, यानी 2 डिजिट का स्पेस है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 के साइड में 99 लिख देते हैं, यानी जितने भी स्पेस है उसमें 99 लिख देते हैं। और जितने नंबर ऑफ 9s हमने 8 के साइड में लिखा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें 8 एंड 1 के बीच में लिखना है। यानी हमने यहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ 9s लिखे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ जीरो भी लिखेंगे। यानी हमारा आंसर आ गया 998001। अब हम देखते हैं 9999 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये 4 डिजिट का नंबर है तो इसका आंसर आएगा 8 डिजिट का, इसलिए हमने 8 डिजिट के लिए मार्क कर लिए हैं। अब हमें 9 का स्क्वायर दैट इज 81 लिखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 81 के बीच में 3 डिजिट का स्पेस छोड़ेंगे। यानी 99 में हमने 1 डिजिट का स्पेस छोड़ा था, 999 में हमने 2 डिजिट का स्पेस छोड़ा था, तो 9999 में हमें 3 डिजिट का स्पेस छोड़ना है। तो अब हमें क्या लिखना है, 8 के साइड में जितने भी स्पेस है उसमें हम 999 लिख देते हैं, और 8 एंड 1 के बीच में जो स्पेस है उसमें हम 000 लिख देते हैं। यानी क्या हो गया, जितने नंबर्स ऑफ हमने 9 लिखा है उतने ही नंबर्स ऑफ 0 लिखा है, यानी 3 नंबर्स ऑफ 9s
एंड थ्री नंबर्स ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख दिए हैं। सो हमें आंसर मिल गया है 9998001। तो देखिए कितने जल्दी हमें स्क्वायर्स मिल गए हैं, ना ही हमें किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, ना ही कोई कैलकुलेशन करना पड़ा। तो इसी तरह से आप भी स्क्वायर फाइंड करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू।